हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप FY, SY, MCOM, MA, MSc, PG के अगर स्टूडेंट हैं, आप अपना मॉक टेस्ट देने वाले हो। आज मॉक टेस्ट देने के बाद दोस्तों, जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको कंपलसरी फॉलो करना है। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम अप्लाई नहीं करोगे तो दोस्तों, आपको आपके एग्ज़ाम से टर्मिनेट किया जा सकता है, आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको फॉलो करना ही है, ज़रूरी है। तो क्या है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को काफी ऐसे लोग हैं जो देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बिकॉज आपको सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक करने के लिए कुछ ही सेकंड रखेंगे, और जिसके वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आपके सामने जरूर आ जाएंगे। इसी तरीके से प्यारे एजुकेशन अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इधर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का ये सर्कुलर दिख रहा है, ऑनलाइन एग्जाम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो दोस्तों, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो आपको जानना होगा कि आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, आप एग्जाम किससे देने वाले हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, किससे देने चाहते हो। तो जैसे कि आपको इधर बताया, मोबाइल तो नॉर्मल है, अगर आप अपना लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसी से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दोस्तों आपके पास जो विंडो है वो 7, 8, 10 तो होना ही चाहिए। मतलब 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जो नेट स्पीड है वो 1 MBPS की होनी चाहिए। दोस्तों नेट स्पीड तो मिनिमम आपको इतना ही चाहिए, इससे ऊपर होगा तो बेटर है, अच्छा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपके दिल और दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम कैसे पता करें कि 1 MBPS स्पीड है कि नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप नॉर्मल गूगल पे चले जाइए, और गूगल पे चले जाने के बाद कोई भी आप ब्राउज़र पे www.surajpatelEducation.com लिख के इंटर कीजिए। दोस्तों क्या आएगा, कैसे आएगा, मैं हर एक चीज़ दोस्तों आपको जो इधर पहला ही नाम मेरा दिख जाएगा surajpateleducation.com, इधर नीचे आएगा www.suraj, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यूनिवर्सिटी आपको इधर दिखेगा कैटेगरी में, आपको मोबाइल से भी यूज़ करोगे तो इधर 3-डॉट लाइन जैसा दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना, आप इस साइड पर आ जाओगे। आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है, और इधर मुंबई यूनिवर्सिटी दिखेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपको जो पहला गाइडलाइन आ जाएगा, इधर लिखा हुआ भी, नीचे भी और भी इंफॉर्मेशन है, इधर पहले वाले पे आपको ध्यान देना है, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स। आपको जैसे ही इसके ऊपर आप दोस्तों क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस चालू हो जाएगा। दोस्तों इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक दिया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं और भी लिंक है जो आपको यहीं से मिलेंगे। दोस्तों ये देखिए, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरनेट कनेक्शन एंड 1 MBPS और मोर, इधर आपको दोस्तों ये लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके आपके डेस्कटॉप पे आपको पता चल जाएगा, या आपके मोबाइल पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेट की स्पीड कितनी है। गूगल क्रोम से आप मोबाइल पे भी ओपन करके अपना नेट की स्पीड देख सकते हो। आपको मेरे इस वेबसाइट पे और भी आगे काम आएगा, क्या वो मैं आपको बताऊंगा। देन दोस्तों आपको अलाउ करना है आपका वेबकैम कंपलसरी, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो आपका लैपटॉप हो, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका जो ब्राउज़र है, जो गूगल क्रोम है, वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपको ये वेबकैम कैसे पता चले और आपको गूगल का लेटेस्ट वर्जन कहाँ से पता चले, दोस्तों इधर लिंक नहीं दिया, आपको मेरे ही वेबसाइट पे जाना है। दोस्तों अगर आप थोड़ा नीचे करोगे, जो इंटरनेट कनेक्शन था उसके नीचे करोगे, तो दोस्तों इधर आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड यूज़र इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन और गूगल क्रोम, ठीक है। लैपटॉप के लिए दोस्तों आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, आप यहां से गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना, ये अपडेट हो जाएगा और आप गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन आपके पीसी में आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ आपका वेबकैम जो उधर था ना कि वेबकैम को अलाउ करना है दोस्तों, ये देखिए ये वाला आपको चेक भी करना है कि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल का वेबकैम काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करके आप वो चीज चेक कर सकते हो कि आपका वेबकैम वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन और नीचे दिया हुआ है कि आप एक विंडो के अलावा दूसरा कोई भी डेस्कटॉप पे विंडो चालू नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपने एक विंडो चालू किया जिस पे आप एग्जाम दे रहे हो, तो क्या आप सोचो कि नहीं दूसरे विंडो पे मैं कोई पीडीएफ ओपन कर दूं या कुछ और गूगल पे सर्च करूं, तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हो। देन दोस्तों वही चीज इस जगह पे लिखा हुआ है, इसमें और कुछ खास बात नहीं है जो मैं आपको बता दूं, जो जो इंपॉर्टेंट बात है वही बता रहा हूं। और देन उसके बाद आपको लिखा हुआ है मस्ट क्लोज ऑल प्रोग्राम एंड विंडो बिफोर द, वही मैंने आपको जो बता दिया है। देन दोस्तों इसके नीचे आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट है कि आप एग्ज़ाम किस सिस्टम से देना चाह रहे हो, मोबाइल लैपटॉप पीसी, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही ऊपर ही बता दिया है, आप जिससे भी एग्ज़ाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको नोटिफिकेशन उसका बंद करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अगर मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जितने भी एप्लीकेशन के, वो सब चीज़ बंद करके रखने होंगे। और अगर आप लैपटॉप से दे रहे हो, विंडो से दे रहे हो, तो आपको मैंने बता दें कि विंडो अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी दूसरा एंड्रॉयड का विंडो ओपन नहीं होना चाहिए, वो पूरा क्लोज होना चाहिए। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्टम के साथ साथ कि आपके जो भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल हो, वो सफिशियंट चार्ज होने चाहिए। मतलब उसको उतना चार्ज करके आपको रखना ही होगा जितना एग्जाम में यूज होने वाला हो। देन उसके बाद दोस्तों एक इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम के लिए बात आ जाती है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पहला लाइन जो लिखा हुआ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला लाइन दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दोस्तों ये पहले लाइन में लिखा हुआ है कि आपको लॉगिन करना है पोर्टल पे 15 मिनट पहले। मतलब जो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा लिंक दिया होगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा, वो आपको लॉगिन कर लेना है 15 मिनट पहले ही सिस्टम पे जाके। देन शुड नॉट चार्ज टैप विंडो ड्यूरिंग द अवॉइड ऑटो टर्मिनेट फ्रॉम योर सिस्टम दोस्तों आपको कोई भी मोबाइल या टैब वेब विंडो कोई भी चार्ज नहीं करना है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, आपको पहले से ही चार्ज करके रखना है। स्टूडेंट कैन अपियर बाय यूजिंग मोबाइल फोन, ठीक है, मतलब स्टूडेंट मोबाइल फोन से भी हर एक चीज अपियर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुड नॉट लीव फॉर द सिस्टम ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आपने एग्जाम देते देते एग्जाम के सिस्टम से आप टर्मिनेट हो जाते हो, निकल जाते हो, बाहर आ जाते हो, तो दोस्तों याद रखना कि आपको आपके एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप गलती मत करना, जो विंडो चालू है सिर्फ उसी विंडो पे काम करना है। देन साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने एग्जाम के टाइम पे कोई भी हेडफोन, ब्लूटूथ या एयरफोन, ठीक है, कोई भी पेपर वेपर, कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ नहीं करना है। और आपके रूम का लाइट चालू होना चाहिए, लाइट बंद नहीं होना चाहिए कि अंधेरा जैसा फीलिंग हो, सफिशेंट लाइट होना चाहिए आपके रूम में। देन दोस्तों और एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दोस्तों इसके नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है जो काफ़ी स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। दोस्तों क्या है वो भी बता देता हूँ कि आपके रूम में कोई भी टीवी, म्यूजिक कोई भी चालू नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, ठीक है। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके घर वाले आना जाना लगाए रहेंगे, तो वैसे कोई भी पर्सन बार बार आपके एग्ज़ाम के पीछे से कोई भी आए जाए ना, वो चीज़ को अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको आप एग्ज़ाम देते टाइम कोई भी डिवाइस या एंड्रॉयड बुक्स या पेपर्स, पेन, कोई भी नोटपैड, कोई भी ऐसे डिवाइस को आपके पास नहीं रखना, ऐसे कोई भी चीज़ों को अपने पास नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सिस्टम को लेके अपडेट थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे आपको फॉलो करने थे। अब दोस्तों आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको अब बता देता हूँ जो नीचे है। दोस्तों ये गूगल क्रोम का मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि लेटेस्ट वर्जन कैसे डाउनलोड करना है, मेरे वेबसाइट पे चले जाइए, आपको इधर मिल जाएगा। ये देखिए ये लिंक पे क्लिक करके आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। और ये जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है ना, जिस सिस्टम से आप एग्ज़ाम देने वाले हो, एक
एक वीरा ऐप से जो आप एग्जाम देने वाले उस सिस्टम का ही लिंक दिया गया है वो, ठीक है। देन दोस्तों मैं नीचे आ जाता हूँ, एकलव्य से आप एग्जाम देने वाले हो तो उस एकलव्य का ही आपको वो दिया गया है। दोस्तों देखिए, चेक योर एग्जाम लिंक, जैसे ही आप एग्जाम लिंक पे क्लिक करोगे आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है, कुछ कैप्चर दिया गया है, जैसे ही आप फिल करके लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद वही आपको आईडी एंड पासवर्ड डाल के इसको अलाउ करना है। ये पूरा मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप इस तरीके से इंटरफेस पे आ जाओगे। देन आपको एग्जाम के टाइम भी इधर प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद इधर आपको चेक करना है आपका रोल नंबर एंड जो भी कैंडिडेट नेम है वो आपको जो आईडी आपको दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही दोस्तों आप कंफर्म करोगे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन आ जाएंगे, वो आपको रीड करना है तो रीड करो, या तो सीधा नीचे जाके आई हैव पे क्लिक करके आई एम रेडी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इधर जो आपको माइक्रोफोन का दिख रहा है इसको अलाउ करना है, देन इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर के सवाल देना है। और सभी सवाल को देने के बाद दोस्तों इधर आपको दिख रहा है सवाल का, मैंने आंसर पे टिक करने के बाद इधर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। रिव्यू पे गलती से भी कोई भी क्वेश्चन रखा हुआ है तो दोस्तों आपको उसको चेक करके फिर से उसको सेव कर लेना है। देन दोस्तों अभी आपको मैं नीचे और भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आखिरी में आप हर क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके आपको एग्जाम को एंड करना है। दोस्तों और भी मैं नीचे कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे जाने के पहले अगर समझो कि आप क्वेश्चन नंबर 11 पे हो और आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे जाना है तो इधर प्रीवियस पे क्लिक कर देना, आप वैसे भी जा सकते हो, या तो इधर से डायरेक्ट ये जो नंबर दिया हुआ ना इसके ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हो। देन दोस्तों आपको नीचे बता दूं, एग्जाम जब आप एंड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आएगा। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं, जो पहला आपको दिख रहा है इधर 0 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है। इधर जो व्हाइट में दिख रहा है उसके आगे लिखा हुआ है नोट अटेंड, मतलब आपने कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया हुआ है। आपने कितने क्वेश्चन को रिव्यू पे रखा हुआ है, और इसका जो ये कलर दिखाएगा इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया है, देखा ही नहीं है। देन उसके बाद दोस्तों आपको एग्जाम को सबमिट करना है, आपका काम यही हो जाएगा खत्म। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि उन्हें भी पता चले कि एग्ज़ाम किस तरीके से, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से देना है, जो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।